नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बच्चों में लगातार आत्महत्या का सिलसिला जारी रहने और उससे रोकथाम के लिए जिला मानसिक केंद्र और कौशल नर्स प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली सदर अस्पताल परिसर से शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहाँ लोगों ने जीवन जीने के महत्व के बारे में बताया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि जीवन अमूल्य है, इसे बेकार ना जाने दें और आत्महत्या किसी कीमत पर ना करें। देश और राज्यों में बच्चों और खासकर युवाओं में लगातार आत्महत्या की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। गुमला जिले में भी आत्महत्या बड़े तेजी से हाल ही के दिनों में यह बढ़ा है। जरूरत है इसके व्यापक रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, जिससे आत्महत्या की वारदात को रोका जा सके। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया और 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक विश्व मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा है, जिसके तहत हमारे गुमला जिले का जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मानसिक हेल्थ को लेकर के बहुत जागरूक है और उसके लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। उसी के तहत हम लोगों ने ये आत्महत्या रोकथाम के लिए एक प्रभात फेरी निकाला, वॉक फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। ये जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का एक पहल है विश्व मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा के तहत। आत्महत्या रोकथाम होम के लिए जो बच्चों में इस तरह की जो प्रवृत्ति आ रही है आत्महत्या को लेके, तो ये धीरे धीरे ये मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके तहत ये सरकार की तरफ से एक आयोजन किया गया, बच्चों के द्वारा एक मार्च निकाला गया, ये समाज में संदेश देने के लिए कि आत्महत्या रोकी जाए, उसका रोकथाम बहुत जरूरी है। बच्चों को मानसिक रूप से विकसित किया जाए ताकि ये जो समाज की बहुत बड़ी विकृति है ये समाज से दूर हो सके और लोग जागरूक हो सके, और किस तरह से जो हमारा समाज में परिवर्तन आ रहा है उसमें बच्चों का, युवाओं का बहुत योगदान है। बट युवा जो आज जिस तरह से आत्महत्या की ओर उनकी प्रवृत्ति जो जारी है, इसके रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से अच्छे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये रैली निकाला हुआ है मार्च, ताकि ये गुमला में मुख्य रूप से ये मेन रोड की तरफ और ये जिला अस्पताल की तरफ से मार्च करके हम लोग आगे तक जाएंगे ताकि लोगों को ये मैसेज जा सके।